एप्पल आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, इसके साथ ही स्मार्ट वॉच एप्पल की भी वॉच अल्ट्रा 2 भी लॉन्च हो चुकी है। कब लॉन्च हुई है, कैसे हैं फीचर्स, कौन कौन से मोबाइल लॉन्च हुए हैं, सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एप्पल आईफोन कल यानी 12 सितंबर को लॉन्च हो गया है। हर साल सितंबर में ही एप्पल इवेंट रखता है लॉन्च का, इस साल भी सितंबर में ही रखा था। तो आगे आपको पूरा बताने वाले कौन सा आईफोन लॉन्च हुआ है, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और ये नीचे जो बटन दिया हो सब्सक्राइब का, उसको जल्दी से क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके दबा लें, जिससे कि मेरे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ और जीके या फिर पैक से रिलेटेड या फिर कोई नई न्यूज़ आती है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए हैं जो पीछे आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं एप्पल इवेंट 2023 लाइव अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रात में 12 बजे ये फंक्शन ख़त्म हुआ था और उसके बाद में अब ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जो आपको 9 बजे या 8 बजे रात में 13 तारीख को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल सितंबर में एप्पल अपने नई फ़ोन लॉन्च करता है। एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज और एप्पल वॉच सीरीज 9 को भी लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में कंपनी ने 4 नए आईफोन लॉन्च किए हैं। जी हाँ, वही वॉच की बात करें तो कंपनी ने इसमें नए फीचर्स जोड़े हैं। इसके साथ ही एप्पल ने वॉच अल्ट्रा 2 भी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, एप्पल इवेंट 2023 पूरा हो चुका है। इस इवेंट में कंपनी ने अपने नए आईफोन्स और एप्पल वॉच की नई सीरीज को लॉन्च कर दिया है। पिछली बार की तरह कंपनी ने इस बार भी इवेंट में 4 आईफोन लॉन्च किए हैं। वहीं कंपनी ने 3 नई एप्पल वॉच को भी लॉन्च कर दिया है जो आकर्षक फीचर्स के साथ आती है। तो सबसे पहले बात करें आईफोन 15 सीरीज की, तो कंपनी ने पिछले साल की तरह इस साल भी 4 मॉडल्स आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो, iPhone 15 Pro Max को लॉन्च कर दिया है। ये सभी iPhones दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। नॉन प्रो वेरिएंट में कंपनी ने A16 बायोनिक चिपसेट दिया है जो पिछली बार iPhone 14 Pro में सीरीज में यूज किया गया था। इसके साथ ही कंपनी ने इस बार कैमरे को भी अपडेट कर दिया। जी हाँ, नॉन प्रो वेरिएंट में यूजर्स को 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस दिया गया है। वहीं अगर प्रो वेरिएंट की बात की जाएगी ना, तो कंपनी ने इसमें आगे बढ़ के काम किया है और इसमें A17 बायोनिक चिपसेट दिया है। जी हाँ, इसके साथ ही कैमरा परफॉर्मेंस में भी पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि प्रो वेरिएंट में एक्शन बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप कई फंक्शन को वन क्लिक में यूज कर सकते हैं। चारों ही आईफोन में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है। एप्पल वॉच की बात करें तो कंपनी ने इस बार वॉच सीरीज 9 को लॉन्च कर दिया है जिसमें कई आकर्षक फीचर्स जोड़े गए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने एप्पल वॉच अल्ट्रा का नया वर्जन यानी एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को भी लॉन्च कर दिया है। तो आपको पूरी अपडेट देंगे शुरू से लेके लास्ट तक की किस तरीके से ये इवेंट लॉन्च किया गया है। आईफोन 15 के जो स्पेसिफिकेशन है वो सभी आपको इस वीडियो में लास्ट तक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो बात करते हैं 9 बजे की। तो सबसे पहले आईफोन 15 लॉन्च जब हुआ था तब टिम कुक ने एक पोस्ट डाली थी। एप्पल के सीईओ है ये टिम कुक, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने एप्पल पार्क की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा था, इट्स ऑलमोस्ट टाइम, सी यू सून, मतलब अब वक्त लगभग हो चुका है, जल्द ही मिलते हैं। तो ये लॉन्च होने के पहले की कहानी है और फिर ये 15 लॉन्च लाइव इवेंट आने लगा। इसको कहां कहां देखा गया, आप एप्पल के वंडरलस्ट इवेंट में लाइव देख सकते थे। कंपनी ने इस इवेंट को अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे भी लाइव किया था, एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और एप्पल टीवी ऐप पे भी लाइव आया था ये इवेंट। तो सीरीज में क्या मतलब खास है, देखिए आईफोन 15 जो सीरीज है उसमें क्या खास है। आईफोन 15 सीरीज में हमें बेहतर कैमरा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और दूसरे कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डिज़ाइन के मामले का कंपनी कोई ज़्यादा बदलाव तो नहीं की है। वहीं आपको पुराना डिज़ाइन देखने को मिल सकता है जो आईफोन 12, 13 और 14 में ही मिलता था। एप्पल के वंडरलस्ट इवेंट में सिर्फ आधे घंटे बचे हुए थे और ये इवेंट भारत समयानुसार मतलब 10:30 बजे शुरू किया गया था। इस इवेंट में नई आईफोन सीरीज के साथ वॉच और एयरबड्स को भी देखने
मिले थे। पहले चार्जर हुआ था गायब, अब लाइटनिंग पोर्ट हो गया है गायब। जी हाँ, आईफोन में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। इस बार आईफोन में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। सालों तक लाइटनिंग केबल और लाइटनिंग पोर्ट देने वाले एप्पल को आखिरकार टाइप सी चार्जिंग पोर्ट पर स्विच करना पड़ ही गया। और इसकी मेन वजह यूरोपियन यूनियन द्वारा वन चार्जर पॉलिसी जो बनी है वो है। तो एप्पल आईफोन 15 लॉन्च और इसके बारे में क्या नया किया है एप्पल ने? एप्पल ने काफ़ी वक्त से अपनी नॉन प्रो सीरीज़ में कोई बड़ा बदलाव किया ही नहीं है। हाँ, कैमरा मॉड्यूल 2 साल पहले बदला गया था, लेकिन पिछली 2 सीरीज़ यानी आईफोन 13, 14 में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। इस बार कंपनी ने कुछ नया नहीं किया है। तो आईफोन 15 सीरीज़ का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। कंपनी ने लॉन्च इवेंट को शुरू कर दिया था कल रात में, जिसे कंपनी आधिकारिक वेबसाइट यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके सब में डाल चुकी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। एप्पल ने लाइव इवेंट शुरू तो कर दिया था। लाइव इवेंट की शुरुआत में कंपनी ने दिखाया था किस तरह वे एप्पल वॉच ने लोगों की जान बचाई है, जिसकी वजह से वो आज अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। टिम कुक ने इवेंट की शुरुआत की थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि ये इवेंट एक नए आईफोन और वॉच पर बेस्ड होगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने पिछले इवेंट में लॉन्च किए गए मैकबुक और दूसरे मैक प्रोडक्ट के साथ एप्पल विजन प्रो पर भी बातचीत की। एप्पल ने इवेंट की शुरुआत करते हुए एप्पल वॉच 9 का ऐलान कर दिया था। इसमें यूजर्स को S9 चिप देखने को मिल रही है। अब आप वॉच को यूज करके सिरी से अपना हेल्थ डेटा मांग सकते हैं। शुरुआत में ये फीचर्स इंग्लिश और मंडारिन में उपलब्ध था। आप आसानी से आईफोन में खोज सकेंगे। पिछली 9 सीरीज पर वर्जन के मुकाबले इसमें बेहतर डिस्प्ले दिया गया है। एप्पल वॉच में जो नया फीचर्स जोड़ा है, अब एक हाथ से यूज कर पाएंगे वॉच, जिसके साथ आप में हाथ अगर वॉच पहनी हुई है तो उस हाथ से के इंडेक्स और फिंगर और अंगूठों को डबल टैप करके आप इस फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी ने इस फीचर्स को डबल टैप का नाम दिया है। 5 कलर में उपलब्ध है ये वॉचेस। और एप्पल ने यहाँ एक बड़ा ऐलान भी किया है, नेट जीरो होगा कार्बन। एप्पल ने ऐलान किया है कि उनके प्रोडक्ट से कार्बन जल्द सी खत्म हो जाएगा। साल 2030 तक उनके सभी प्रोडक्ट नेट जीरो इंपैक्ट ऑन नेचर का हिस्सा होंगे, यानी कंपनी कार्बन न्यूट्रल्स हो जाएगी। एप्पल ने कई बार नए ब्रांड्स और पोर्टफोलियो को अपने साथ जोड़ रही है, लेकिन इसके लिए कंपनी ने नाइकी और दूसरी कंपनियों को अपने साथ कोलैब कर लिया है। कंपनी ने इसके साथ ही एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 लॉन्च किया है। कंपनी ने पिछले साल एप्पल वॉच अल्ट्रा को लॉन्च किया था। ब्रांड इसका नेक्स्ट जनरेशन लेकर आई है। अब आपको बड़ी स्क्रीन और वॉच 9 वाले सभी फीचर्स मिलेंगे। इस पर आप एक्सक्लूसिव वॉच फेस मिलेगा, जिसका नाम मॉड्यूलर अल्ट्रा है, जो दिन और रात दोनों ही कंडीशन में अलग तरह से काम करेगा। कितनी होगी कीमत? एप्पल वॉच एसी के नए मॉड्यूल को आप $249 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। वही एप्पल वॉच सीरीज 9 को $399 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को $799 में खरीद सकते हैं। आज से ही आप इसका प्री ऑर्डर कर सकते हैं। और जो फोन की सीरीज लॉन्च की है उसके बारे में बात करेंगे, तो एप्पल ने नई आईफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने आईफोन 15 और 15 प्लस को लॉन्च किया है। स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ आएगा। इसमें आपको दूसरे कई कैमरे फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही आपको नया फ्रंट डिजाइन मिलेगा। कंपनी नॉच को रिमूव करते हुए नॉन प्रो वेरिएंट में भी डायनेमिक आइलैंड के साथ नया डिस्प्ले देगी, यानी आपको नॉच नहीं बल्कि पंच होल कटआउट मिलेगा। नया डिस्प्ले, दमदार कैमरा, A60 बायोनिक चिप मिलेगी। जी हाँ, एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 15 और 15 प्लस में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा और A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, जो पिछले साल प्रो वेरिएंट में मिलता था। नॉन प्रो मॉडल और अब परफॉर्मेंस में ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसमें आपको बेहतर बैटरी बैकअप मिलेगा। कंपनी ने इसमें वायर और वायरलेस दोनों तरह की कनेक्टिविटी ऑप्शन दी है। नॉइस कैंसिलेशन और SOS फीचर्स भी इसमें दिया गया है। सी पोर्ट दिया गया है। आईफोन 15 और 15 प्लस की कीमत क्या होगी ये भी आपको बता देता हूँ। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत का ऐलान कर दिया। आईफोन 15 की शुरुआत $799 से होगी, वहीं आईफोन 15 प्लस की कीमत $899 से होगी। कंपनी ने भारतीय बाजार की कीमत का ऐलान अभी फिलहाल नहीं किया है। कंपनी ने इसमें डायनेमिक बॉडी का इस्तेमाल किया है, मतलब आईफोन 15 प्रो में इसमें बेजल को कम किया गया है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बड़ी स्क्रीन मिलेगी। इसे आप 6.1 इंच और 6.7 इंच के स्क्रीन साइज में खरीद सकते हैं। ये स्क्रीन साइज क्रमशः आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स की है। A17 बायोनिक के साथ मिलेगा टाइप सी पोर्ट। जी हाँ, इसमें आपको दमदार कैमरा मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 14 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस वाला कैमरा सेटअप मिलेगा, जिससे आपको लो लाइट फोटोज क्लिक करने का फीचर्स मिलेगा। 3x टेलीफोटो लेंस मिलेगा। वही मैक्स वेरिएंट में 5x का ऑप्टिकल जूम फीचर्स मिलेगा। कंपनी ने इसे
12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया। इसके साथ ही यूजर्स को बेहतरीन मैक्रो कैमरा मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सीरीज जो है आईफोन 15 प्रो की कीमत क्या होगी, तो सीरीज में यूजर को 3D वॉइस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत $999 से शुरू होगी, वहीं प्रो मैक्स वेरिएंट की कीमत $1199 से शुरू होगी। ये कीमत 256 GB वेरिएंट की है और इन सभी मॉडल्स को आप 15 सितंबर से प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। भारत में कब से मिलेगा मोबाइल, तो बात करेंगे भारत में आप इस सीरीज को शुक्रवार यानी कि 15 सितंबर यानी 2 दिन बाद से ही प्री ऑर्डर कर सकेंगे। भारत में आईफोन 15 की कीमत ₹79,990 से शुरू होगी, वहीं आईफोन 15 की कीमत ₹89,890 से शुरू होगी। तो मैं ये जितनी भी लिस्ट है प्राइस और स्पेसिफिकेशन ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एक फोटो वाला टैग भी लगा दूंगा जिसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और शेयर जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।